लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन था और सभी लोगों को नामांकन के इस आखिरी दिन यानी आज के दिन का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन ही बनारस से भाजपा से तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 प्रस्तावक तो मौजूद ही थे, लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर पर उनके साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री का जमावड़ा नज़र आया। NDA के घटक दल के नेता यहाँ पर मौजूद नज़र आए, जिन्होंने जब प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और वहाँ से जब उनका काफिला रवाना हुआ तो यहाँ पर मौजूद तमाम NDA के घटक दल के नेताओं ने हमारे चैनल से बातचीत की। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री के समर्थन के रूप में यहाँ आज वाराणसी में नामांकन के दौरान मौजूद रहे तमाम राज्यों के नेताओं ने क्या कहा। From Tamil Nadu, we came here for nomination. Prime Minister PM Modi on his nomination. We are all NDA people are came here. All NDA leaders from Tamil Nadu, all part of state, we joined here. We gave the nomination to collector. And of course, we are witness to a great moment, a moment of transformation for the country. As a third time, this government is coming, repeating with a big mandate. Out of 80, how many can we expect? बहुत अच्छा रोड शो कल हुआ शाम को, आज नामांकन किया है, जनता के आशीर्वाद के लिए प्रधानमंत्री जी अब लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुत शुभ संकेत हैं देश के लिए। मोदी जी को शुभकामना देने आए थे, वो तीसरी बार बनारस से अपना नामांकन किया है, वो जीतेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। सर 400 पार का नारा करें, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वोट परसेंटेज जो है काफ़ी कम हुए हैं। वो देखिए गर्मी का दिन और लगन का दिन के चलते कुछ बाधाएं आई है, लेकिन वो सब बाधा को पार करते हुए जो भी वोट पड़ा है 70% NDA के पक्ष में पड़ा है। साफ है 2014-2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा महाराष्ट्र से कितनी सीटें दी जा रही है मोदी को? मिशन 45 हमारा है और मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। सर राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, तमाम तरीके की असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है, उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर जो काम है, विकास है, डेवलपमेंट है, इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है और राहुल गांधी जी ने जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है। यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नीति नहीं, नियत नहीं, नेता नहीं, वहाँ पर नेता भी नहीं है। यह एक मजबूत नेता है देश को आगे बढ़ाने वाला, देश को महासत्ता की ओर ले जाने वाला, ये हमारा प्रधानमंत्री है और इसलिए राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को अपोजिशन लीडर के लिए भी जितने सांसद लगते हैं उतने भी नहीं आए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम सब उनके समर्थन में हम लोग उतरे हैं और पूरा NDA की एकजुटता ही हम लोग की ताकत है। वहाँ एक तरफ बटा हुआ रहा, वही एकजुट हम लोग का गठबंधन, ये हम लोग के लक्ष्य को जरूर जीतने में आसान करे। प्रदेश की जनता है और हम लोग गंगा पुत्र भी सौभाग्यशाली हैं, नेतृत्व करते पूरे देश के निषादों के हितों के लिए कानून बनाए, पूरे निषाद एक मुश्त वोट देकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे और बनारस के लोग और सौभाग्यशाली गंगा के किनारे कि फिर मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ से। आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, कैसे उसमें करेंगे जबकि वोट परसेंटेज जो है काफी कम हुआ है? 125 पहले जीता था, 72 सेकंड थे और जिनके वजह सेकंड थे वो सारे साथी हमारे साथ आ गए, इसलिए 400 पार NDA सरकार हो गई। मेगा शो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब को हमने NDA के लोगों ने शुभेच्छा बधाई दी है और मैंने उनको ये बताया कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, मोदी जी करेंगे 400 पार, कांग्रेस पार्टी की इंडिया अगड़ी हो जाएगी हार, फिर क्यों नहीं करेंगे हम 400 पार। विपक्ष कितना मजबूत है सर इस दौरान? विपक्ष मजबूत है, मतलब साउथ इंडिया में भी हम मजबूत है, नॉर्थ इंडिया में मजबूत है, नॉर्थ ईस्ट में मजबूत है, महाराष्ट्र में मजबूत है, तो हम 400 पार करने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है।